2018 था। ये आप देख सकते हैं लोग टोलियों की सूरत में आ रहे हैं। ये आगे वीगो डाला आप देख सकते हैं और मोटरसाइकिल पर यहाँ पर पहुँचे हैं मकामी जो पीटीआई के अहदेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं झंडे हैं, मोटरसाइकिल पर रैली है, छोटी छोटी रैलियाँ, छोटी छोटी टोलियों में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। ये जलसा गाह से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले जो जीटी रोड के मनाजिर हैं आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये बाबा जी को देखने आप एक स्पेशल रूप के साथ आए हुए हैं, पीटीआई का इन्होंने लिबास पहना हुआ है और लोग इनके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं। ये देख सकते हैं ये मनाजिर इस वक्त कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है आलिया मीन गंडापुर का, शेर अफजल मरवत का और इसके अलावा जो बाकी दिगर पार्टियों के इदारे हैं उनका यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर पिंडाल में जाएंगे। बाबा जी यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अभी 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ और इतना हमने बैरियर क्रॉस किए हैं, ये कंटेनर लगे हैं, फिर भी हम आ गए हैं। अल्लाह का फजल है और इंशाल्लाह जैसा होगा। ये चोर हैं, चोर ना होते तो ये रास्ते बंद ना करते। अच्छा सर ये बताइएगा कौन चोर है? ये पहला नवाज शरीफ चोर है, मरियम चोर है जो दूध दे रही है आजकल, बड़ा मीठा दूध है उसका, मैंने भी रात को पिया है। और जो कैप्टन सफदर के उम्र के हैं उनको दे रही है और 5 साल के बच्चों वालों को दूध पिला रही है, मीठा दूध है। मेरी 5 भैंसे का दूध है, भैंस का दूध है, किस भैंस का दूध था वो भैंसे ने दूध देना छोड़ दिया कि मरियम का दूध पियो। अच्छा आप भी दूध को लेके काफी सीध लगे, आपको भी दिल तो नहीं कर रहा कहीं? नहीं हमारा, हम तो पी रहे हैं, मीठा दूध है और इंशाल्लाह पियेंगे अगर ये मरियम नवाज रही तो मीठा दूध हम पीते हैं। इसीलिए आपके चेहरे पे ग्लो नजर आ रहा है इसी वजह से। अच्छा ये बताएं कि ये तो बहुत बड़ा कदम है गवर्नमेंट ने जो किया है कि दूध बच्चों को, दूध बच्चों को और बूढ़ों को काम किया उनका, उनको ना उनका विटामिन बढ़ाने के लिए ना मरियम ने दूध लगा दिया है और सही दूध ना दे रही है आज का। ये आप देख सकते हैं लोग कितनी बड़ी तादाद में जीटी रोड पे, इस वक्त आवाम का यहाँ पर समंदर है, हर तरफ आवाम ही आवाम नज़र आ रही है। मेन लीडरशिप का यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि वो आएंगे और उसके बाद फिर जलसा गाह की तरफ जाएंगे। अभी शदीद गर्मी भी है और गर्मी की वजह से भी लोग यहाँ पर छाँव में खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़िले गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। हरिवार 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 हरिवार।
ऊंचा हो गया, मुबारक हो, बहुत शुक्रिया।